राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश को मजबूती प्रदान करने हेतु हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हुसैनाबाद के पूर्व विधायक एवं हमारे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का कमान सौंपा है। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष बनने पे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। इसके साथ ही गोड्डा के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई संजय प्रसाद यादव जी को प्रधान महासचिव का कमान सौंपा गया है, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और हम इनसे अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इनके नेतृत्व में एक झारखंड में परचम लहराएगा और आगे की ओर जाएगा। आइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। हम लोग के लोकप्रिय पार्टी के झारखंड के लोकप्रिय नेता, गरीबों किसानों मजदूरों के नेता, गरीब का बेटा आदरणीय श्री खीरू महतो जी निर्विरोध रूप से आज झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जो आने वाला जो 2024 और 2025 का लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड झारखंड में प्रतिनिधित्व और परचम लहराने का काम करेगी, ये पूरा विश्वास है हम लोगों को। कभी बीजेपी की सरकार में केंद्र मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी में नहीं जाने की कसम खा रहे हैं। बार बार पाला बदलने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार को वफादारी का भरोसा दिला रहे हैं। जेडीयू में किनारे लगा दिए गए उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरी कसम खाई है। रविवार को नीतीश कुमार की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा ने कसम खाई, कुछ लोग मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। दिलचस्प बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बगल में बैठकर ये कसम खा रहे थे, लेकिन कुछ दो साल पहले तक वे नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने की भी ऐसे ही कसमें खाते थे। रविवार को पटना में जेडीयू राज्य परिषद की बैठक थी। नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता उस बैठक में मौजूद रहे। उपेंद्र कुशवाहा जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो कसमें खाने लगे। वे बोले, कुछ लोग मेरे बारे में भ्रामक खबर फैला रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि मेरे मंत्री बनने को लेकर भी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन मैं बिहार में मंत्री नहीं बनूंगा, मंत्री बनने की मेरी कोई चाह नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि जेडीयू की भरी बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को कसम क्यों खानी पड़ी, उन्हें कसम खाकर ये सफाई ये क्यों देनी पड़ी कि वे नीतीश कुमार के लिए वफादार हैं और उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे। हमने जेडीयू के कई नेताओं से इस बारे में बात की। फिर से निर्वाचन करना था और आज यह काम संपन्न हुआ। उमेश कुशवाहा जी जो पहले से भी रहे हैं, फिर से उनको निर्वाचित किया गया। सब लोगों ने मिलकर बधाई दी है, हम भी अपनी ओर से उनको बधाई देते हैं। पहले भी ठीक ठाक काम करते रहे हैं, आगे भी उमेश जी ठीक ठाक काम करेंगे और आगे लोकसभा का चुनाव होगा, फिर विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस दृष्टि से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अब ये देखने की बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ नहीं जाने की कसम कितने दिनों तक कायम रखेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।